आज हम आरडी वर्सेस एसआईपी देखेंगे। समझ लो आपके पास 10,000 रुपए पर महीने के हिसाब से सेविंग करने का अपॉर्चुनिटी है, तो आपके पेरेंट्स के हिसाब से आपने एक आरडी किया, तो आरडी करने के बाद रिक्वायरिंग डिपॉजिट जिसे बोलते हैं, तो मंथली आपने 10,000 रुपए जमा किया, 6.5% का हाईएस्ट आपको रिटर्न मिलेगा एंड उसके हिसाब से 15 ईयर के बाद आपने 18 लाख रुपए जमा किए एंड आपको एस्टिमेटली 12,50,000 के करीब करीब आपको रिटर्न मिलेगा। ऑलमोस्ट यहां पे देख सकते हो टोटल वैल्यू आपका 30.5 लाख रुपीस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ सकते हो ये गया आपका आरडी। अब आपके फेवरेट मेरे फेवरेट एसआईपी के बारे में देखते हैं। 10,000 पर मंथ है, आपने 10,000 पर मंथ एक एसआईपी किया। आईसीआईसीआई पोटेंशियल ब्लू चिप डायरेक्ट ग्रोथ फंड के बारे में बात करूंगा। लार्ज कैप का फंड है, बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे रहा है, 20.51 का रिटर्न लास्ट ईयर में, अमेजिंग रिटर्न। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे 10,000 रुपए एक महीने में इतना रुपए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 15 साल के लिए। आपके इन्वेस्टेड अमाउंट हो गए वही 18 लाख जितना आपने इन्वेस्ट किया था आरडी में, सेम आपने यहाँ पे वही 18 लाख ही इन्वेस्ट किए एंड आपका जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है वो है 1,01,76,000 रुपए। टोटल बन जाते हैं 1,20,00,000। ओ माई गॉड, इज इट रियल? जी हाँ गाइस, ये रियल है। एंड ऊपर से ऐसे ऐसे पोटेंशियल ब्लू चिप, ये तो भाई लार्ज कैप का फंड है तो रिस्क तो बहुत ही कम है भाई, बट रिस्क नहीं है, ऐसा नहीं है, रिस्क तो है भाई, दैट्स इट।